चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट 24 का एग्जाम दिया था, वो स्टूडेंट री एग्जाम के लिए अभी से स्टडी स्टार्ट कर दें। अभी ये किसी को भी पता नहीं है कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये अभी 50-50% ही चांस है। हो सकता है 50% चांस ये है कि री नीट हो भी सकता है, और 50% चांस ये है कि री नीट न होकर के जितने सारे ये घपले हुए हैं, जितनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं, इन गड़बड़ियों को जांच करके इनको सामने लाया जाए और जो दोषी है उनको सजा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि रीनीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 50% पॉसिबिलिटी है कि रीनीट हो सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश था एनटीए के लिए, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी सख्त मूड में है, यानी कि वो कुछ भी डिसीजन दे सकता है 8 जुलाई को, और 8 जुलाई से पहले कोई डिसीजन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन 8 जुलाई तक आप काफी लेट हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं और वो स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, वो तो इस बेस पर स्टडी करें कि री नीट के बेस पर ही वो स्टडी करें, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक ये सोच रहे थे कि री नीट नहीं होगा, जिनके अच्छे मार्क्स थे, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर रीनीट हो जाए तो सबसे ज्यादा उन्हीं स्टूडेंट को नुकसान होगा जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो सिलेक्शन की रेंज में नहीं है, 6 से 55 से डाउन है, वो तो ऑलरेडी स्टडी कर ही रहे हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है कि हमें तो 25 का भी एग्जाम देना है, अगर रीनीट होता है तो भी उनको स्टडी करनी है और रीनीट नहीं होता है तो भी उनको स्टडी करना है। इसलिए जो स्टूडेंट सिलेक्शन रेंज में हैं और अभी तक उन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की है, तो आपको अभी से स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी 8 जुलाई को डिसीजन आएगा, 8 जुलाई के बाद में कम से कम एक महीने का समय दिया जाएगा, 4 वीक्स का समय दिया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो अगर इसमें आगे समय दिया जा सकता है तो ये 11 अगस्त को एग्जाम हो सकती है, ये मान के चलो आप। हो सकता है एग्जाम नहीं भी हो, हो सकता है एग्जाम हो भी जाए, ये किसी को पता नहीं है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, कोई भी नहीं बता सकता कि रीनीट होगा या नहीं होगा। हम अपने सारे जो हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन अभी सभी के पास यही है 50-50% चांस है रीनीट हो भी सकता है और 50% नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल अभी अधर में लटका हुआ मामला है, और इस पॉइंट पर स्टूडेंट को स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से ये माहौल बन रहा है, 8 जुलाई को ये केस किसी भी मोड़ पर मुड़ सकता है। 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के पास में सारे तथ्य आ चुके होंगे, एनटीए की तरफ से रिप्लाई भी आ चुका होगा, और इसके बाद में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी आ चुका होगा, और ये सारा का सारा सब कुछ सुनने के बाद हो सकता है कि 8 जुलाई को ही डिसीजन दे दिया जाए, काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया जाए। तो जहां तक है 8 जुलाई को एक हमें एक रास्ता तो मिल जाएगा कि ये केस इस तरफ में जा रहा है, लेकिन अगर उस समय ये संभावना बनती है कि रीनीट होगा, तब तक आप उस समय तक लेट हो जाएंगे जिन स्टूडेंट ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी स्टडी स्टार्ट की है 25 के लिए, वो प्रिपरेशन इस प्रकार से करें कि 1 या 1.5 महीने बाद में रीनीट होगा, यही आप एम करके चलें। होगा या न होगा तो वो तो बाद की बात है, नहीं होता है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप यही एम लेके चलें कि 1 या 1.5 महीने बाद में रीनीट होगा, उसी प्रकार से तैयारी करें। देखो बच्चों, इसमें अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं करोगे आप तब नुकसान हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि नुकसान हो सकता है। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई पता नहीं है किसी को, ये 8 जुलाई से पहले किसी को पता भी नहीं लगेगा, फर्स्ट जब हियरिंग होगी 8 जुलाई को तभी पता लग पाएगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसी में हो सकता है उसी दिन डिसीजन आ जाए, क्योंकि ये सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पास में ऑलरेडी पहुंच चुकी होंगी।
तो मेरा फिर से आपके लिए कहना यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट 24 का एग्जाम दिया है, अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, वो जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट कर दे। हो सकता है रीनीट हो जाए, इसके 50% चांसेज हैं। अगर हो जाएगा तो आपको ही सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट तो पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनके मार्क्स ऑलरेडी 655 से डाउन मार्क्स हैं, वो तो ऑलरेडी स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी पॉसिबिलिटी का मैं आपको बताऊं कि देखो, अभी इस समय कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। हो सकता है 50% चांस नीट कंडक्ट हो जाए और 50% न भी हो, सीबीआई जांच हो जाए, जो दोषी हैं उनको सजा दे दी जाए। वो सारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा 8 जुलाई को। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, वो अपना फुल स्टडी स्टार्ट कर दें। जैसे भी कोई अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी सारे आप न्यूज देख ही रहे होंगे, अपने पेरेंट्स को आप बता दें कि इन न्यूज पर ध्यान दें, आप अपने स्टडी में लग जाएं। वो आपको एक सारांश बता देंगे कि आज के दिन क्या हुआ है। वैसे भी हम वीडियो बना के बता देते हैं कि क्या अपडेट्स है, तो आप हमारे वीडियो भी देख सकते हैं। 10-15 मिनट का एक दो दिन से वीडियो आता है, तो वो भी आप चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, हमारे से आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो कल के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि 0.001% भी अगर किसी ने मिस्टेक की है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्टूडेंट को न्याय तो मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो कैसा न्याय होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता है। ये तो 8 जुलाई को ही हमें पता लगेगा। तो ये जानकारी थी कि आपको स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास में कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अभी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी तक अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया है, और फुल स्ट्रेंथ के साथ में स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। और 1.5 महीने का आपको टारगेट लेके चलना है, चाहे रीनीट हो या नहीं हो वो आगे की बात है, लेकिन आपको टारगेट 1 महीने का या 1.5 महीने का लेके चलना है। तो ये जानकारी थी रीनीट के बारे में। बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।